नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विश्व युद्धों के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और इस क्रम में जो पहला युद्ध हुआ था वो था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 के बीच में यूरोप के मुख्यतः देशों में लड़ा गया था। दोस्तों, हालांकि ये युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, यूरोप के मुख्य देशों के बीच में तो लड़ा गया, लेकिन इस युद्धों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के सभी देश प्रभावित हुए, विश्व के सभी देश के संसाधन प्रभावित हुए तथा ये युद्ध ऐसा भयानक था, ऐसा भयावह था जिसने कई देशों के राजनीतिक, आर्थिक और उसके नक्शे बदल दिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस युद्ध के क्या कारण थे जिसके कारण ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने यूरोप के मुख्य देशों के एक नक्शा बना लिया है जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सहूलियत होगी। तो थोड़ा सा एक नजर आप इसको देख सकते हैं कि ये यूरोप का एक नक्शा है जिसमें मुख्यतः जो देश है वो है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, यहाँ जर्मनी है, ये पोलैंड है और ये इस साइड में पूरा जो है वो रूस आ जाता है, रशिया, और रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया महादेश में है। उसके बाद रशिया का यहाँ पे नॉर्डिक देश आते हैं जो कि फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे है। इस क्षेत्र में समुद्र है, सागर है जिसको बाल्टिक सी के नाम से हम लोग जानते हैं और यहाँ पे इटली है, स्पेन है, इसके नीचे अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट है और ये जो बीच में एक सागर है उसको हम मेडिटेरियन सी के नाम से जानते हैं और ऑस्ट्रिया हंगरी के नीचे एक छोटा सा देश है सर्बिया और ये इस देश में, इस सारे क्षेत्र में और भी बहुत सारे देश हैं जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब देश है और ये टोटल देशों के उस समय एक बाल्कन पेनिसुला, बाल्कन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में ये सब देश आते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सारे देश आते थे और यहाँ पे एक देश है इसी को हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। यहाँ पे स्पेन के पास में एक पुर्तगाल भी है और इस साइड दोस्तों ये यूरोप का मुख्य देशों का मानचित्र है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे अमेरिका महादेश है, उत्तरी अमेरिका महादेश और फिर इधर आ जाता है रशिया की साइड में प्रशांत महासागर और यहाँ पे जापान, चाइना सब आते हैं और यहाँ पे अपना भारत है जो कि एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारणों पे डिस्कस करते हैं। तो क्या थे मुख्य कारण? तो कॉज, तो फर्स्ट कॉज जो था वो था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा जिसको हम लोग कंपटीशन ऑफ इंपीरियलिज्म भी बोलते हैं। अब ये कंपटीशन ऑफ इंपीरियलिज्म क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का मतलब है साम्राज्य बढ़ाने का होड़ जो यूरोप के मुख्य देश थे, या आप कह सकते हैं कि यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति आ गई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब है उद्योगों का बहुत जोर शोर से विकास और जब ये विकास होगा यानी कि यूरोप में, यूरोप के देशों में फैक्ट्री, कल कारखाने बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो कल कारखानों से प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा निकलेंगे। अब जब ये कारखाने से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा निकलेंगे तो उसको बेचेंगे वो कहां? अभी सभी देश तो विकास कर चुके हैं औद्योगिक क्षेत्र में, तो उसके उसको कहीं दूसरे जगह देखना पड़ेगा जहां वो अपने तैयार माल को बेच पाए और तैयार माल को बेचने के बाद फैक्ट्री के लिए कच्चा माल तैयार भी, कच्चा माल भी चाहिए, तो कच्चा माल कहां से लाया जाएगा? इसके लिए ये लोग अपनी कॉलोनी अलग अलग देशों में निर्माण करते थे, जैसे अफ्रीका, एशिया, ये सब कॉन्टिनेंट के देशों में जो कि इतने विकसित नहीं थे, वहां अपने अपने कॉन्टिनेंट, अपने अपने कॉलोनी विकसित करते थे। जैसे आप जानते हैं कि इंग्लैंड भारत आए व्यापार करने के लिए, फिर यहाँ कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे में अपनी कॉलोनी बसाए और धीरे धीरे भारत पे अधिकार ही कर लिया। तो इसी तरह से इंग्लैंड जैसा था वैसे ही फ्रांस भी अपने अफ्रीका के कई देशों पे या एशिया के कई देशों पे इसी तरह से अपना अधिकार जमा रखा था और यहाँ से अपना प्रोडक्ट बना के वहां पे बेचता था और वहां से कच्चा माल तैयार होता था। तो यही उद्योगों के लिए जो इनको बस्तियां चाहिए, कॉलोनी चाहिए, उसमें साम्राज्य को बढ़ाने का एक बोर यूरोप के इन देशों में आ गया था। तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जो इंग्लैंड है और फ्रांस इसमें पहले से ही बहुत आगे था। बाद में इस होर में जर्मनी भी अपने आप को, जर्मनी और इटली भी अपने आप को इस होर में शामिल कर लिया और कहा जाता है कि 1914 ईस्वी तक जर्मनी का जो औद्योगिक विकास था, उद्योगों का जो विकास है, वो इंग्लैंड, यूके और फ्रांस के उद्योग विकास को पीछे छोड़ दिया। अब जब वो पीछे छोड़ दिया तो जर्मनी को भी कहीं ना कहीं बाजार की तलाश थी, जबकि
पहले से इंग्लैंड और फ्रांस ने सारे बाजारों पे, सारे देशों पे कैप्चर, मुख्य मुख्य देशों पे कैप्चर कर रखा था। तो अब जर्मनी क्या करे, तो जर्मनी को इन फ्रांसों और यूके इंग्लैंड के जो कॉलोनी थे उसको जबरदस्ती छीनने का लिप्सा जागृत हो गया। तो यही हुआ दोस्तों साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ऑफ इंपीरियलिज्म, अपने साम्राज्य को विस्तार करने का हो। तो चूंकि जर्मनी को बाजार की तलाश थी इसीलिए जर्मनी ने क्या किया, तो टर्की, यहाँ पे देखो दोस्तों टर्की है, ये टर्की का भी साम्राज्य पहले बहुत विशाल था लेकिन 1914 आते आते तक इसका साम्राज्य पतनशील हो गया। तो जर्मनी एक अपना मौका देखा और टर्की के सुल्तान से बगदाद से लेकर बर्लिन तक रेलवे लाइन बिछाने की अनुमति मांगी, जिसका विरोध फ्रांस ने डटकर किया, क्योंकि फ्रांस सोच रहा था कि अगर ये लाइन बिछ जाएगा तो जर्मनी टर्की की तरफ बढ़ जाएगा और वहां पे वो अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर देगा, इसीलिए फ्रांस ने इसका विरोध किया। और यहाँ पे जो दोस्तों मैंने बताया था कि जो जापान है 1905 ईस्वी में रूस रशिया और वर्सेस जापान का युद्ध हुआ था, जो कि रशिया अपने आप को उस समय बहुत शक्तिशाली अगर बताता था लेकिन उस युद्ध में जापान ने रशिया को पराजित कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक संदेश गया इन देशों में कि हाँ कोई भी देश किसी भी देश को पराजित कर सकता है और अपने साम्राज्य को बढ़ा सकता है। तो ये रशिया वर्सेस जापान का जो युद्ध हुआ था जिसमें जापान को विजय मिला था, यह भी साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में एक मुख्य कारण का योगदान दिया था। दूसरी तरफ यहाँ पे जो दोस्तों अमेरिका था, उस समय तक अमेरिका भी एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका था और अमेरिका नहीं चाह रहा था कि दूसरा देश भी अपना साम्राज्य को विकसित करे जिससे कि उसका व्यापार पे खतरा आ सकता है। खतरा का मतलब है दोस्तों कि वो अपना कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए यहाँ जो अमेरिका था वो भी नहीं चाह रहा था कि हमारे कंपटीशन में कोई भी देश आए, जबकि उधर जर्मनी अपने साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार था। दूसरा कारण क्या था दोस्तों, तो दूसरा कारण था उग्र राष्ट्रवाद। क्या था? उग्र राष्ट्रवाद, रेडिकल नेशनलिज्म। अब ये उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है दोस्तों, इसको जरा समझते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। इसका मतलब है दोस्तों कि यूरोप के जो समान जाति, समान धर्म, समान परंपरा के लोग थे वो अपना एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की के जो मुख्यतः लोग थे वो स्लाव जाति के थे और वो एक सर्व स्लाव का आंदोलन शुरू किया। और वो सर्व स्लाव का आंदोलन इस पे आधारित था कि सभी स्लाव जाति के लोगों के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए, जिसके कारण ऑस्ट्रिया हंगरी का संबंध रशिया से कटु हो गया। उसी तरह से जर्मन के लोग सर्व जर्मन आंदोलन शुरू किया और वो इस तर्क पे आधारित था कि जर्मन साम्राज्य का विस्तार जो है वो बाल्कन पेनिसुला, बाल्कन क्षेत्र में हो, जहाँ पे यानी कि बुल्गेरिया, रोमानिया, इस सब पे जर्मन साम्राज्य स्थापित हो। और ये जो उग्र राष्ट्रवाद है, एक समान जाति के, समान धर्म के लोग, समान ऐतिहासिक परंपरा के लोग को एक जगह रहने का जो सोच आया लोगों में, ये यूरोप के देशों का संबंध आपस में तनाव ग्रस्त कर दिया और ये एक कारण विश्व युद्ध का ये भी था। तीसरा जो कारण था वो था सैनिकवाद, मिलिटरिज्म। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि यूरोप के जो मुख्य देश थे अपना सारा ध्यान अब सैनिक शक्ति को बढ़ाने में लगा रहे थे और सैनिक शक्ति बढ़ाने में लगाने का मतलब हुआ कि वो अपने जो इनकम थे उसका 85% जो खर्च था वो सैनिकों बढ़ाने पे करने लगे थे, जिससे क्या हुआ कि सब सैनिक शक्ति से मजबूत होने लगा। और जैसे सैनिक शक्ति सबका मजबूत होने लगा तो वो सब एक दूसरे से लड़ने के इच्छुक होने लगे और सोचा कि हम एक दूसरे से क्षेत्र जीत ले, इसीलिए सब अपने अपने सैनिक को बढ़ाने लग गए। और कहा जाता है दोस्तों कि जर्मनी फ्रांस ने तो अपने राष्ट्रीय आय का 85%, जर्मनी और फ्रांस अपने आय का 85% मिलिट्री पे ही खर्च करने लगे और जो यूके थे, इंग्लैंड थे, उस समय जल सेना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंग्लैंड ही थे, जिसके कारण वो अपना माल सभी देशों में भेज पाते थे आराम से। तो जर्मनी ने देखा कि चूंकि इंग्लैंड सबसे ज्यादा जल सेना में मजबूत है, इसीलिए जर्मनी ने
इस चीज को एक चुनौती के रूप में लिया और जल सेना का विकास इसने बहुत जोर शोर से करना शुरू कर दिया। और 1912 ईस्वी में कहा जाता है कि 1912 ईस्वी में जो जर्मनी ने एक इम्परेटर नाम का एक सबसे बड़ा जहाज बना दिया, जो कि अभी तक जितने भी जहाज थे उसमें सबसे बड़ा था। और इस तरह से जर्मनी जो है इंग्लैंड के बाद दूसरा जहाजरानी मंत्रालय का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। नेक्स्ट जो कॉज है दोस्तों वो है चौथा गुटों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस और ब्लॉक्स। सबसे महत्वपूर्ण कॉज यही रहा दोस्तों विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध होने का, फॉर्मेश गुट और का निर्माण। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप के जो देश थे वो अपने समान स्वार्थ को एक केंद्र में रख के एक दूसरे से गुट बनाने लगे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि संपूर्ण यूरोप गुटों में बट गया। और दोस्तों जो गुटों का निर्माण का जो जन्मदाता है वो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क माना गया। इसने क्या किया था दोस्तों, बिस्मार्क ने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ इसने द्वैध संधि कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों कि 1882 में ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और इटली ये तीनों मिलके एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया 18 में, जिसको हम ट्रिपल अलायंस के नाम से भी जानते हैं, ट्रिपल अलायंस, जिसमें तीन देश थे जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया हंगरी प्लस इटली, ये तीन देश मिलके त्रिभुज का निर्माण कर लिया। हालांकि इटली इस गुट का पूरा रिलायबल मेंबर नहीं था, क्योंकि इटली एक अलग ही स्वार्थ था, इनको ये चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ भागों को वो जीतना चाहता था या लेना चाहता था। साथ में यहाँ पे एक लीबिया है, लीबिया में एक ट्रिपोली नाम का जगह था, ट्रिपोली को भी इटली कब्जा करने के व्यू से इस संधि में शामिल हो गए। तो यह 1882 में त्रिभुज का जो निर्माण हुआ ये बहुत ही एक मुख्य कदम था, गुटों के निर्माण का पहला कदम था। इसके विरोध में, त्रिभुज के विरोध में 1907 ईस्वी में दोस्तों, 1907 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटेन फ्रांस और रूस तीनों मिलके एक त्रिदेशीय संधि कर ली। त्रिदेशीय संधि यानी कि ट्रिपल नेशन ट्रीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिदेशीय संधि। इस त्रिदेशीय संधि में दोस्तों कौन से थे, तो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन प्लस फ्रांस प्लस रशिया, ये तीनों मिलके इस त्रिभुज के, इस ट्रिपल अलायंस के विरुद्ध एक ट्रिपल नेशन संधि कर ली। और इसी तरह से जो और भी देश है वो गुटों का निर्माण करने लगे और परिणाम स्वरूप यूरोप जो है पूरे गुटों में बट गया। इसके अलावा दोस्तों ये जर्मनी का जो संबंध है वो फ्रांस से बहुत ही कटु हो गया था, बहुत ही विषाक्त हो गया था। और जर्मनी ने फ्रांस के कुछ धनी प्रदेश थे अल्सास और लॉरेन, वो अल्सास और लॉरेंस को अधिकार कर लिया, जो कि फ्रांस का एक धनी प्रदेश था। और जर्मनी मोरक्को के मामले में भी फ्रांस का डटकर विरोध कर रहे थे, क्योंकि फ्रांस मोरक्को को जीतते जा रहा था। तो इधर जर्मनी फ्रांस के दो क्षेत्र अल्सास और लॉरेंस पे भी अधिकार कर लिया और मोरक्को पे भी फ्रांस का डटके विरोध कर रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि जर्मनी फ्रांस के बीच ये खाई और बढ़ती चली गई। तो अब ये इतने सारे घटनाक्रम जो हो गए, अब केवल एक कोई ऐसा घटनाक्रम चाहिए था कि विश्व युद्ध तुरंत शुरू हो जाता। चलिए देखते हैं युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, बिगिनिंग ऑफ द वॉर। तो युद्ध की जो शुरुआत हुई दोस्तों वो एक महत्वपूर्ण घटना से हुई। अब क्या था, ऑस्ट्रिया का प्रिंस था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का 28 जून 1914 ईस्वी को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी जाती है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। और ऑस्ट्रिया इसके लिए सर्बिया पे
जिम्मेवारी डालता है कि आपके कारण ही बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हमारे जो प्रिंस थे आर्चड्यूक फर्डिनेंड उसकी हत्या हुई है, और सर्बिया के आगे अपना डिमांड को रखता है कि हमारी ये डिमांड है, आप ये पूर्ति करें नहीं तो आपके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी। परंतु सर्बिया ने उसके मांग मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया सर्बिया के विरुद्ध ऑस्ट्रिया ने एक महीने के बाद युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, ये जो सर्बिया है उसके बचाव में रशिया आ गया और रशिया ने सर्बिया को पूर्ण सहायता करने के वचन दे डाला, जिसके कारण क्या हुआ तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गया, क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली त्रिगुट के देश थे, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आ गया और 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और यहाँ पे एक देश है दोस्त बेल्जियम, बेल्जियम तो जर्मनी फ्रांस पे दबाव डालने के लिए अपनी सेना को बेल्जियम में भेज दिया, तो 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ और 1 अगस्त को रशिया के खिलाफ जर्मनी ने युद्ध का ऐलान कर दिया। आप सभी टाइमलाइन को दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, और अगर इस टाइमलाइन के हिसाब से आप याद रखेंगे तो पूरा विश्व युद्ध का इतिहास आपको अच्छे से दिमाग में याद रहेगा। तो 1 अगस्त 1914 को रशिया के विरुद्ध जर्मनी ने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर डाली, युद्ध की घोषणा कर डाली और अपनी सेना को बेल्जियम में भेज दिया। उसी दिन जर्मनी ने यूके के खिलाफ भी, जर्मनी ने यूके यानी कि ब्रिटेन के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी, यानी कि त्रिगुट के जो देश थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया, त्रिदेशीय संधि के जो देश थे ब्रिटेन फ्रांस और रशिया, ये तीनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब जर्मनी फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया 3 अगस्त को और बेल्जियम में अपना सेना भेज दिया, जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ भी उसी दिन युद्ध की घोषणा कर दी और रशिया के खिलाफ भी 1 अगस्त को ही युद्ध की घोषणा कर चुकी थी। तो अब इसमें क्या था कि त्रिगुट के जो ये देश बचे थे इटली, वो इटली जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के कुछ दिन सपोर्ट में नहीं आए और कुछ दिनों तक वो तटस्थ रहे, लेकिन अंत में वो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ही फ्रांस और यूके के साथ में युद्ध शुरू कर दिया। तो इटली त्रिगुट के साथ नहीं होकर के फ्रांस और यूके के साथ हुआ है। अब ये जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ बाकी जो देश थे इधर बुल्गारिया टर्की ये सब जर्मनी के साइड हो गए, और धीरे धीरे सभी देश या तो त्रिगुट में जुड़ते गए, ट्रिपल अलायंस में जुड़ते गए, या ट्रिपल नेशन ट्रीटी त्रिदेशीय संधि के देशों में जुड़ते गए, और इस तरह से विश्व दो खेमों में बट गया और दो खेमा आपस में युद्ध शुरू कर दिए, और आर्कड्यूक फर्डिनेंड का जो हत्या था वो तत्कालीन कारण माना गया युद्ध का, और युद्ध शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध का। तो ये इतिहास था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने का, कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और उसके क्या कारण रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये युद्ध 1918 तक चला और कैसे चला, और फिर इसका युद्ध का अंत कैसे हुआ, और युद्ध के बाद का जो परिणाम क्या क्या रहे, और युद्ध के बाद की संधियां कैसी रही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर होने का। आप निश्चित रूप से 1 से 2 बार वीडियो को देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।